किराड़ी के प्रेमनगर इलाके में अज्ञात बदमाशों ने कम्युनिकेशन की दुकान पर दिया लूट को अंजाम। गल्ले में रखे करीबन 25,000 रुपए लूट कर मौके से हुए फरार। शोर मचाने पर दी गोली मारने की धमकी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। दिल्ली का रोहिणी जिला फिर से बदमाशों का निशाना बना। दरअसल देर रात को प्रेमनगर इलाके में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक कम्युनिकेशन की दुकान के मालिक को गोली मारने की धमकी देकर करीबन 25,000 रुपए लूट लिए। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपी रात को दुकान पर पहले पैसे जमा करने की बात करके रेकी करके गए थे। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने वारदात के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी कब्जे में ले लिया है। वारदात ये हुई है कि जो लूटपाट हुई है मेरे यहाँ, तो लूटपाट में जो एक आदमी है वो मेरे पास परसों भी आया था। हाँ, और जो है फिर उसके बाद जो है कल आए तीनों। मैं सोचा मनी ट्रांसफ़र करना है, पैसे भेजना है उनका। मैंने पूछा क्या काम है, तो बोले कि जो है कुछ बोले नहीं। उसके बाद जो है दूसरी बार पूछा तो बोल रहे हैं कि जो है चुपचाप बैठा रहे, जितना माल हो सब दे दो मुझे। अच्छा, तो उसको पहचानते हैं ना? नहीं पहचान, उसमें एक आदमी जो पतला सा दाढ़ी वाला था वो परसों आया था दुकान पे, इसी टाइम के लगभग था। फुटेज में कोई चेहरा दिखाई दिया? फुटेज में चेहरा भी नहीं दिख रहा, अभी तो जांच चल रही है। अच्छा, वो फुटेज दिख, अगर वो व्यक्ति सामने आया तो पहचान लूंगा दाढ़ी वाले को, क्योंकि दूसरे दो थे जो बाकी वो मास्क पहने थे। क्या कहा उन्होंने? कहा सारा माल जो है हथियार दो थे उनके पास, पिस्टल थी। तो पैसे किसी और कुछ और भी पूछा? हाँ, पैसे का वो गल्ला में से पैसे ले गए, करीबन 20-25,000 रुपये। हाँ, उसमें उसने एक ने मुझे मारा, और जो है उसी पिस्टल वाले हाथ से ही मारा था, ये निशान आया है। हाँ, खून बह रहा था। और हाँ, पुलिस में कंप्लेन कर दी है। पुलिस जांच कर रही है। 20-25,000 को नुकसान हुआ है जो छीना। पूरी वारदात थी, कल कुछ अज्ञात लोग आए मौर्या कम्युनिकेशन में पैसा जमा कराने के बहाने और रेकी करके गए परसों। कल रात में आए तीन लोग, अचानक घुसे, बट से मार करके पैसा लेके चले गए। तो क्या कोई हथियार था? हाँ, हथियार था, पिस्टल थी उनके हाथ। तो पैसे किसी और कुछ और भी नुकसान हुआ है? उनके चोट लगी है, और नुकसान क्या होगा, पैसे ले गए खाली। तो पुलिस को सूचना मिल गई? पुलिस को सूचना मिली है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही, कल से और आज तक पुलिस छानबीन में लगी हुई है। साहब यहाँ पे आए दिन चोरी की वारदात होती है, सीसीटीवी कैमरे सारे खराब पड़े हैं, जितने भी सरकारी केजरीवाल जी के कैमरे हैं एक भी काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से चोरी बढ़ती जा रही है। तो कैमरे को क्या देखा था जो खराब? हाँ बिल्कुल, देखा गया था। कल दिल्ली पुलिस ने भी खंगाला तो पता लगा उसमें हार्ड डिस्क नहीं है, किसी भी कैमरे में हार्ड डिस्क नहीं है, और सब के सब कैमरे बंद हैं। और जो छोटी मोटी वारदात यहाँ बैठे चिलम गांजा पीते रहते हैं बच्चे, उन पर पुलिस को अंकुश लगाना चाहिए। तो आसपास में कोई कैमरा लगा था जो जहाँ चोरी हुई? प्राइवेट कैमरे लगे हैं जिसमें रेंज इतनी नहीं है कि उनको पकड़ पाए।